चाहता हूँ कि 30 करोड़ आबादी जो है मुसलमानों की, वो अपना एक रहनुमा चुन लें। हर कभी कोई पार्टी हमें इस्तेमाल करती है, कभी हमें कोई पार्टी इस्तेमाल करती है, लेकिन अब हमें एकजुट होना है और इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही सवाल है और इसका एक ही जवाब है, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, उसका सीधा कारण ये है कि ममता बनर्जी ने अपने बारे में ही सोचा है, केवल अपने बारे में सोचती है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को अपने अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में वेस्ट बंगाल में सिवाय अपने बारे में सोचने के और कुछ नहीं करा। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं, उन लोगों के बारे में तो ममता बनर्जी ने सोचा ही नहीं। जिस प्रकार से वहाँ की जो आम नागरिक थे, उन लोगों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी, इसलिए वो वेस्ट बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर जो है वहाँ रोज़गार करने लगे, वहाँ काम काज करने लगे। तो इस तरह जो है, जब ये देखा कि इसके विधायकों ने, इनके साथियों ने जब देखा ममता बनर्जी के यार ममता तो अपने अलावा किसी को गर्दान ही नहीं रही, किसी को समझ ही नहीं रही, इसलिए वो लोग जो हैं ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो कभी बीजेपी के मंत्री रह चुकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगी? नहीं बिल्कुल ये उनकी ख्याली, उनका दिमाग संतुलन ख़राब हो चुका है इस वक्त। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन जो है वो बिखरता जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी अब अपने जो पद का, अपने जो स्टाफ है, जो अपनी सिक्योरिटी है, वो उनसे भी बिहेव कर रही है, उनसे वो जो है गलत लूज़ वर्डिंग बोल रही है, गलत शब्द बोल रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसका समय जो है वेस्ट बंगाल से समाप्त हो चुका है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह की राजनीति की है वो दुनिया जानती है। अच्छा, और आगे वो दुनिया जानती है कि ममता बनर्जी ने सिवाय अपने अलावा कुछ नहीं सोचा, वेस्ट बंगाल के नागरिकों के बारे में नहीं सोचा। आज इस तरह ओवैसी जी ने जब कल वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं, तो ममता बनर्जी के आदमी, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता आज उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। आज उन लोगों को ज़्यादा देखा जा रहा है कि जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, आज ममता बनर्जी अपने स्टाफ को, अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेज रही है, उनको लालच दे रही है कि कहीं इसका असर जो है कहीं ओवैसी जी ना उठा लें और ओवैसी जी ना उठा लें। मैं कहता हूँ कि भारत देश में हर धार्मिक लोगों के अपने अपने नेता हैं, अपने अपने विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम इस वक्त देश में की आबादी 30 करोड़ से लगभग है, लेकिन हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है। अगर हमारा कोई नेता है, मैं 30 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम देश में मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि 30 करोड़ आबादी जो है मुसलमानों की, वो अपना एक रहनुमा चुन लें, क्योंकि हम लोग जो हैं इस वक्त जो हैं कठपुतली बने हुए हैं। कहीं हम हर कभी कोई पार्टी हमें इस्तेमाल करती है, कभी हमें कोई पार्टी इस्तेमाल करती है, लेकिन अब हमें एकजुट होना है और इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही सवाल है और इसका एक ही जवाब है, असदुद्दीन ओवैसी ने को लेकर हमने अपना रहबर बनाना है, अपना गाइडर बनाना है, अपना जो है प्रतिनिधि हमने अपना लीडर उसे ही बनाना है, क्योंकि वो कम से कम मुसलमानों के हित में तो बात करता है, मुसलमानों के बारे में तो सोचता है। बाकी कोई भी पार्टी सिवाय मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के अलावा और किसी भी पार्टी को मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानती है और मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं करना जानती। आप एक चीज़ बताइए कि ममता बनर्जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है मंत्री रह चुकी हैं, 1990 में जो है लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी, उसके बाद जो सपा के जो अखिलेश यादव के जो फादर हैं मुलायम सिंह यादव, वो भी कहीं ना कहीं जा करके भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं, हिमायत करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है मोदी को ही बनना चाहिए, आपको मालूम ही होगा। तो ये लोग जो है सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं, लेकिन मुसलमानों को इनसे क्यों दूर रखते हैं? देखिए, वही कारण मैंने बताया ना कि मुसलमान जो है इस वक्त बिखरा हुआ है, मुसलमान जो है वो बटा हुआ है, कोई मुसलमान कांग्रेस में है तो कोई बीजेपी में है, तो कोई लालू जी के साथ है, तो कोई ममता बनर्जी के साथ है, तो कोई अखिलेश के साथ है, तो कोई मायावती के साथ है। तो हमारा मुसलमान इस वक्त बिखरा हुआ है, हमारे मुसलमानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी एक वजह ये है कि हमारा मुसलमान कम पढ़ा लिखा है, हमारे मुसलमान को समझ नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का हमारा कोई लीडर नहीं है,
हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों को किसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो एक ऐसा लीडर चुन लें, केवल एक ऐसा लीडर चुन लें, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ऐसा चुने जो सिर्फ मुसलमान हो। और मुसलमान इस देश में वैसे ही रहते हैं जैसे और दूसरे धार्मिक तरह के लोग रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्शन आते हैं वहाँ वहाँ मुसलमानों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मुसलमान का वोट जो है वो सरकार को बदलने में, सरकार गिराने में, सरकार बनाने में मुसलमान का रोल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने, तो बिल्कुल ही नहीं था ना। हाँ, ओवैसी नहीं था, लेकिन देखिए अब ओवैसी जो है वो वैसे एक काबिल आदमी है, वो वैसे एक पढ़े लिखे आदमी है। वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्या हैदराबाद तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो केवल जहाँ जहाँ मुसलमानों को पीड़ित किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ जो नाइंसाफियाँ होती हैं, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो उनको आप हमें अपना लीडर स्वीकार करना चाहिए, उनको अपना लीडर मानना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे नागरिक रह गए हैं कि जो सिर्फ केवल मुसलमानों के हित में ही सोचते हैं और मुसलमानों के ही बारे में। बस ये इनकी अपनी राय है। मुस्लिम को हमेशा से और हमेशा तक, जब तक मुसलमान अपने आप को नहीं समझेगा, मुसलमान अपने आप को नहीं संभालेगा, मुसलमान अपनी पहचान खुद नहीं बनाएगा, वो इस तरह की जो है लोग गतिविधियों में, आज हमें कटुआ कहा जाता है, आज हमें जो है देशद्रोही कहा जाता है, आज हमारे को कहा जाता है कि हम देश के हित में नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि अब वो समय आ गया है कि आप एकजुट हो जाइए, आप एकजुट होकर इस देश के लिए काम कीजिए, इस देश के लिए देश के साथ चलिए, इस देश के तिरंगे का मान सम्मान रखिए। इस देश में आज, इस देश में आप 30 से 40 करोड़ की आबादी आ चुके हो, आपकी गिनती आ चुकी है। अब आप जो हैं सिर्फ अपने बारे में, जो सरकार, जो पार्टियां, जो आपके हित में बात करे, कोई भी पार्टी हो वो जो आपके हित में बात करे, आप उसको सपोर्ट कीजिए। आप ये मत कहिए कि अगर बीजेपी है हमारा सपोर्ट, बीजेपी है या कांग्रेस है या लालू हैं या अपने ये अखिलेश यादव हैं, चाहे मायावती हो, चाहे इनके बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें कि जहाँ जिस पार्टी में आपको इज्जत मिले, सम्मान मिले, उसी पार्टी को आप चुनिए। और ये काम के लिए मैं असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने रखता हूँ कि आज असदुद्दीन ओवैसी वो किसी धर्म को लेकर साथ नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ केवल देश को लेकर चल रहे हैं और वो मुसलमानों के हित में बोल रहे हैं, वही मुसलमानों का साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि मुसलमान आज इस देश में सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको पास ना तो कहीं सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का कहीं आप नाम देखिए, कहीं भी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ मुसलमानों का कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। ये चीज़ वैसे दिन जी को पता चल रहा है, उसको उनको महसूस हो रहा है कि यार आज मुसलमान सिर्फ वोट बैंक ही देने के लिए, वोट देने का टाइम आता है तो मुसलमानों को, चाहे वो दिल्ली का केजरीवाल हो, चाहे वो पंजाब का कैप्टन साहब हो, इन्हें सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मुसलमान जिस तरफ जाएगा सरकार उसी तरफ जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि ओवैसी जो बयान देते हैं उसको आप कितना सही मानते हैं, क्योंकि ओवैसी हमेशा यहाँ के जो दलित मुसलमान जो दबे कुचले लोग हैं उसकी संवैधानिक बात करते हैं, फिर भी लोग जो है कहते हैं कि ये भड़काऊ बयान देता है, ये कट्टरपंथी करता है, क्या सवाल पूछना कट्टरपंथी है? अगर वो देश विरोध में सवाल करते हैं या देश के विरोध कोई बात करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं, तो हमारे पास सरकार है, हमारे पास कोर्ट है। अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन लेते हैं, कोई गलत बात करते हैं, तो सरकार एक्शन ले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो वहाँ की जो तेलंगाना की जो कोर्ट है वो डिसीज़न ले और वो उनके खिलाफ़ चार्जशीट लगाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो वैसे दिन जी जो हैं वो दायरे में रहकर बात करते हैं, वो दायरे से बाहर नहीं जाते। हाँ, उनका छोटे भाई असदुद्दीन जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो कुछ जज्बाती बंदा है, वो कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ओवैसी जी जो हैं वो अगर कुछ इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप देश हित में काम कीजिए, ये भारत देश सबका देश है, यहाँ मिलजुल कर रहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त कीजिए। जो आज इस वक्त मोदी जी लेके चले हैं वो आपको भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज आप मुसलमानों के रहबर हैं,
आज आप मुसलमानों के लिए काम कीजिए, क्योंकि मुसलमान इस वक्त अगर दुनिया में कहीं सेफ है तो वो है हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ भी मुसलमानों के साथ उन्हें तरह तरह के नामों से जो है वो बुलाया जाता है, कठुआ कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन आप सिर्फ नाम लेके कीजिए, क्योंकि सारे देश के मुसलमान जो हैं ना तो वो कटुए हैं, ना उधरवादी हैं, और ना वो जो हैं वो देशभक्त भी हैं हमारे देश में। क्योंकि हम लोग जो हैं हम कलाम को मानने वाले हैं, हम कसाब को मानने वाले लोग नहीं हैं।